हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस। टुडे आवर टॉपिक इज रॉबर्ट लिंक एज एन एसिस्ट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ओके, ए डिसअपॉइंटेड मैन का क्वेश्चन है ये। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है राइट ए नोट ऑन रॉबर्ट लिंक्स प्रोज स्टाइल, एंड सेकेंड क्वेश्चन है आपका अकाउंट फॉर रॉबर्ट लिंक एज एन एसिस्ट, एंड थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस रॉबर्ट लिंक एज ए प्रोज राइटर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रॉबर्ट लिंक एज एन एसिस्ट। ओके, रॉबर्ट लिंक एक निबंधकार के रूप में। रॉबर्ट लिंक इज ए मॉडर्न एसिस्ट, ये आधुनिक निबंधकार है। ही कंट्रीब्यूटेड टू द न्यू स्टेट्समैन अंडर द पिसियोजिनम ऑफ वाई फाई। ही कंट्रीब्यूटेड ए सीक्वेंस ऑफ एसे ओवर ए पीरियड ऑफ मोर देन 40 ईयर्स। ही एसेज आर 20th century classics. His important works are, इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, कुछ रचनाएँ भी हैं, जैसे आयरिश एंड इंग्लिश 1908 में पब्लिश हुई है। नंबर टू है होम लाइफ इन आयरलैंड 1909, एंड रैम्बल्स इन आयरलैंड 1912, एंड द बुक ऑफ दिस एंड दैट 1915, एंड द पैशन ऑफ लेबर 1920, एंड न्यू स्टेट्समैन आर्टिकल्स एंड द प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस 1921, सेलेक्टेड एसे 1923, एंड द ग्रीन मैन 1928, इट्स ए फाइन वर्क 1930, ओके, एंड देन गो टू स्पेन 1931, वाई वाई एन एंथोलॉजी ऑफ एसे 1933, द पोक पोकर शेयर 1933, एंड सर्च लाइट्स एंड नाइटिंगल्स 1939, ओके, दीज आर द ऑल वर्क्स ऑफ रॉबर्ट लिंक एज एन एसिस्ट। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न एसिस्ट। ओके, मॉडर्न एसिस्ट, एंड द सेकेंड पॉइंट इज हिज नैरेटिव स्टाइल, एंड थर्ड हिज रेशनल अप्रोच, फोर्थ है हिज प्रैक्टिकल अप्रोच, फिफ्थ रियलिस्टिक अप्रोच, सिक्स ब्यूटी, ए कंपैरेटिव और पर्सनल इवोल्यूशन, एंड नेक्स्ट आपका कंक्लूजन। ओके, मॉडर्न एसिस्ट, रॉबर्ट लिंक इज ए मॉडर्न एसिस्ट। Robert Lynn's essays are thoughtful. In his essay, he thinks over modern problems. For example, almost everybody looks disappointed. He finds there is missing something in everything. While he is in search of perfection, it is the cause of his disappointment. He vividly reads a book or visits a theater. Result is the same. He does not find satisfaction anywhere. उन्हें कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली. What is the cause behind? इसके पीछे क्या कारण है?
Then try to find out the answer of this simple question in his essay. Robert Lind अपने एसेज में इस तरह के साधारण क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने में लगे हुए हैं। एक डिसअपॉइंटेड मैन, एक निराश व्यक्ति, एक हताश व्यक्ति, ओके। सेकंड पॉइंट है आपका हिज नैरेटिव स्टाइल, इनका वर्णनात्मक स्टाइल। द पर्पज ऑफ द लिंक इज नॉट टू शो हिज स्कॉलरशिप इन हिज एसे। रॉबर्ट का जो उद्देश्य है इज नॉट शो हिज स्कॉलरशिप इन हिज एसे, वो अपने एसे में अपना स्कॉलरशिप नहीं दिखाना चाहते हैं, ओके। ही डज नॉट वॉन्ट टू शो द स्कॉलरशिप इन हिज एसे, ओके। ही विशेज टू प्रेजेंट द थिंग इन द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड सिंपल वे सो दैट हिज रीडर्स माइट लिंक वाइल एंजॉइंग द एसे। इन हिज एसे ए डिसअपॉइंटेड मैन इन प्लेस ऑफ गिविंग हैवी आर्ग्यूमेंट ही रेफर्स टू ए ब्लाइंड मैन, वो एक अंधे व्यक्ति को रेफर्स करते हैं, संदर्भ देते हैं। हु रिसीव हिज साइट आफ्टर ए वंडरफुल ऑपरेशन, कि उसे अपनी आँखें मिलती हैं एक वंडरफुल ऑपरेशन के बाद, बट फील्स डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो हताश हुआ था, मतलब आँखें मिलने के बाद भी वो निराश होता है। आखिर क्यों? ही कंप्लेन्स दैट ही इज वेरी सैड इन द वर्ल्ड, वो शिकायत करता है कि वो इस संसार में सबसे ज़्यादा दुखी है। ही सी वह देखता है दैट इन द वर्ल्ड इस संसार में ऑल थिंग आर ऑर्डिनरी, सब चीज़ें कितनी साधारण है। ड्यूरिंग ब्लाइंडनेस ही हैड इमेजिन दैट ऑल दीज थिंग्स वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जबकि अंधेपन से पहले उसे ये लगता था कि ये संसार कितना सुंदर है, इस संसार की प्रत्येक चीज़ें कितनी अनमोल है, कितनी श्रेष्ठ है। बट आफ्टर गेटिंग द साइट ही बिकम टू मच डिसअपॉइंटेड। बिकॉज आफ्टर गेटिंग द साइट ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड द साइट ऑफ द टू सी द साइट ऑफ द वर्ल्ड, संसार की जब उसने दृश्य देखे तो बहुत ही ज़्यादा हताश हुआ था, क्योंकि वो संसार को बहुत ही अमूल्य समझ रहा था, ओके। ऑल थिंग्स आर ऑर्डिनरी ड्यूरिंग ब्लाइंडनेस ही हैड इमेजिन दैट ऑल दीज थिंग्स वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ही वॉज हैप्पियर एज ए ब्लाइंड मैन, ही वॉज हैप्पियर एज ए ब्लाइंड मैन, जब वो अंधा था तो बहुत खुश था। He was living his better world at that time. उस समय वो एक अच्छे संसार में रह रहा था, एक बढ़िया संसार में, एक बढ़िया समाज में रह रहा था, एक ऐसे संसार में रह रहा था जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। Now he finds men of different shape and show from those that he had dreamed in his imagination. बट आफ्टर गेटिंग द साइट, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें मिल गई तो उसने देखा कि डिफरेंट शेप के यहाँ पे व्यक्ति हैं, तरह तरह की आकृति के व्यक्ति हैं। शो फ्रॉम दोज दैट ही हैड ड्रीम्ड इन हिज इमेजिनेशन, जो कभी उसने अपने सपने में, कभी अपनी कल्पना में देखे थे। फ्रॉम मोटर कार्स टू फ्लावर्स गार्डन everything in the world is inferior to the thing of his mind. It is great irony that the blessings of wisdom has confused him. It is a great irony. ये बहुत बड़ी विडम्बना है पोइट की लाइफ में, कि बहुत बड़ी विडम्बना है कि उसे ये आशीर्वाद तो मिला
आंखों का ऑपरेशन हो गया और उसकी रोशनी वापस आ गई। जैसे ही उसे आंखें मिल गईं तो बहुत ज़्यादा सैड हो गया, बिकॉज आफ्टर ब्लेसिंग द विजन, जैसे ही उसे ये विजन का आशीर्वाद मिला, हैज कन्फ्यूज हिम, उसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका हिज रैशनल अप्रोच। हिज रैशनल अप्रोच, द पर्पज ऑफ लैंड इज टू डेवलप रैशनल अप्रोच इन हिज एसे। ही विशेज टू प्रजेंट द थिंग इन द मोस्ट रैशनल एंड सिंपल वे सो दैट हिज रीडर्स माइट थिंक वाइल एंजॉइंग द एसे। इन हिज एसे ए डिसअपॉइंटेड मैन लिंक पॉइंट आउट दैट इमेजिनेशन इज ऑलवेज बेटर देन रियलिटी। रॉबर्ट लिंक पॉइंट आउट दैट द इमेजिनेशन इज बेटर रेदर देन रियलिटी, कि वास्तविकता से अच्छी तो कल्पना होती है। उसने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों की कल्पना करी थी कि संसार कितना खूबसूरत होगा, कितना अट्रैक्टिव होगा, बट नो, जैसे ही उसने अपनी आंखों से इस संसार की वास्तविकता को देखा तो उसने सोचा कि ये सब इट्स ए वेरी इन्फीरियर, ये बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर सीइंग ए लायन इमेजिन्स मच अबाउट हिम ऑन द बेस ऑफ द टेल्स रीड बाय हिम। व्हेन ही कम्स टू सी ए लायन ही फील्स डिसअपॉइंटेड। ओके, एंड नेक्स्ट इज हिज प्रैक्टिकल अप्रोच। द पर्पज ऑफ लैंड इज डेवलप प्रैक्टिकल अप्रोच इन हिज एसे। एंड द नेक्स्ट इज रियलिस्टिक अप्रोच। द पर्पज ऑफ द लैंड इज टू डेवलप रियलिस्टिक अप्रोच इन हिज एसे। ही विशेज टू प्रेजेंट द थिंग इन द मोस्ट रियलिस्टिक एंड सिंपल वे सो दैट हिज रीडर्स माइट थिंक वाइल एंजॉइंग द एसे। नेक्स्ट, ब्यूटी ए कंपेरेटिव और पर्सनल इवोल्यूशन। लिंक पॉइंट आउट दैट देयर इज नथिंग लाइक ए एब्सोल्यूट ब्यूटी, एवरीबडी इज गाइडेड बाय हिज ओन कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी। कंक्लूजन, दस रॉबर्ट लिंक इज ए थॉटफुल एसेस्ट हुज अप्रोच इज रियलिस्टिक रैशनल एंड प्रैक्टिकल। हिज स्टाइल इज नैरेटिव। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू।